सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीज़ा के, बगैर परमिशन के, जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा, यहाँ इंडिया में आई है, नोएडा में। जी। अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल। जी, पूरे मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है। रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी वो पहले वाले को? नहीं, अब वो तो शौहर नहीं छोड़े सर। नहीं छोड़े? अरे वाह, हिंदू धर्म भी है सर। नहीं, कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसको, क्या बोलेंगे ये तो? अब वकील साहब आप बोलो, आप ऐसे जानते हैं, आप काला कोट पहने हुए, मैं तो नहीं पहने, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली। जी सर। शादी कर ली? जी सर। कन्वर्शन? तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरत में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है, देखिए बाप।